Hello, I'm Dr. PPP. I'm the Celebrity Guru Award winning author of the book, You Are the Celebrity, How to Become Famous, Meet the Canadian Indian. हाँ जी, हम इंडिया के गुजरात राज्य के जुलासन गांव में पैदा हुए हैं. इंडिया में हमने मेडिसिन का स्टडी किया, कनाडा में आए, यहाँ पे होम्योपैथी का स्टडी किया है. और थैंक्स टू रिहान लावला भाई, इन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम आपसे रूबरू हो सके एवरीडे पाकिस्तान के 10 बजे नाइट को और टोरंटो और न्यूयॉर्क के 12 बजे दोपहर को. हाँ जी, कैसे हैं सुनील साहब? ओके, सुनील साहब वांट्स टू जॉइन मी, उन्होंने बोला कॉल मी, हम आपको कर बाट उसका नाम है. हाँ जी, देखते हैं क्या होता है. हमें एडिंग का मैसेज आ रहा है कि हम आपको ऐड कर रहे हैं. आप अपनी ओर से भी सेंड कर सकते हैं रिक्वेस्ट. हाँ जी, और बहुत सारे हार्ट्स और लाइक्स भेजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, बिकॉज देर आर 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड. सो उनसे रियलाइज कराना है कि आप सेलिब्रिटी हो. उसके लिए आप इस पोस्ट को शेयर करेंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है. हाँ जी, सॉरी डिक्लाइन हो गया सुहेल भाई. सो आप अपनी ओर से रिक्वेस्ट भेजिए यार. और किसको ज्वाइन करना है हमारे साथ, यू नो फेसबुक लाइव इज इसी वक्त राइट नाउ. सो हमारे साथ आप गपशप कर सके. आपको हमारे साथ गपशप करनी हो तो कमेंट में लिखिए यस और कॉल मी, तो हम आपको इनवाइट कर सके. मगर क्यों नहीं हो रहा है हमें नहीं मालूम. अपना फोन हॉरिजॉन्टल रखिएगा सोहेल भाई. सो आपको 50% स्क्रीन शेयर मिल सके. हम आपकी वेट कर रहे हैं. एडिंग का मैसेज हमें दिखाई दे रहा है, दूसरी दफा हम ऐड कर रहे हैं आपको, देखते हैं क्या होता है. आपका कमलेश खिमानी, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? किसको आना है हमारे साथ फेसबुक लाइव स्क्रीन शेयर करने के लिए, चिट चैट करने के लिए और गुफ्तगू करने के लिए और गपशप लगाने के लिए? आपको हमारे साथ गपशप लगानी है सो तो लिखिए कि यस कॉल मी और यस लिखिए, सो हमें मालूम पड़े तो हम आपको बुला लें. नो आंसर का मैसेज आया भाई सोहेल भाई, दो दफा हमने अटेंड की आपको लाइव लेने की कोई कोशिश की हमने भी हमारी ओर से. आप अपनी ओर से रिक्वेस्ट भेजिए अब ना. हेलो भाई, कैसे है आप? आमिर खान बोले कैसे है आप. आमिर खान हम बड़ी बढ़िया है, मजे में है. आमिर खान कल हमारे साथ लाइव गपशप में आए थे. हाँ जी, तो आज भी वो आ गए है हमारे साथ. कमेंट लिखने लिखा है उन्होंने कि कैसे है आप, हम मजे में है आमिर भाई, कैसे है आप. कमलेश भाई लाइक्स भेज रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइक्स भेजने के लिए. हाँ जी, तो किसको हमारे साथ गपशप लगाना है? आपको हमारे साथ गपशप लगाना है, कमेंट में लिखिए यस. आप अपनी ओर से भी हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. जो लाइक का सिंबल होता है इसके पहले वो कैमरा का सिंबल होता है, तो आपको इसको क्लिक करना है, इसे टच करना है, सो हमें वो नोटिफिकेशन मिलता है कि आप हमारे साथ फेसबुक लाइव पे स्क्रीन शेयर करना चाहते हो, गपशप लगाना चाहते हो. सो हम इसे अलाउ करेंगे और आपको हमारे साथ ला देंगे, और क्या, सिंपल बात है. हाँ जी, सो आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख सकते हैं. आपको हमारे साथ फेसबुक लाइव पे स्क्रीन शेयर करना करने के लिए आना हो तो भी आप यस लिखिए और कॉल में लिखिए, सो हम आपको बुला सकें गपशप लगाने के लिए इसी वक्त राइट नाउ. हाँ जी, बिकॉज नाउ इज द प्रेजेंट, राइट. पास्ट चल गया, फ्यूचर अभी आया नहीं है, कल किसी ने देखा नहीं है. पास्ट चला गया वो हम वापस ला नहीं सकते हैं, मगर राइट नाउ दिस मोमेंट है उसे प्रेजेंट कहा जाता है, यू नो प्रेजेंट मोमेंट है. सो प्रेजेंट में जीते है. सो किसको हमारे साथ गपशप लगाना है और आप उसे शेयर करते हैं पोस्ट को, सो लिख दीजिए कमेंट में कि आपने शेयर किया है, सो हम आपको रिकग्नाइज करें शेयर करने के लिए. हाँ जी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, किसको हमारे साथ गपशप लगाना है.
यस, कौन है जो हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, गपशप करना चाहते हैं, अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं? शर्माइए मत, शर्माइए मत, ये जमाना है अपनी बात दुनिया के साथ शेयर करने के लिए। और बढ़िया से बढ़िया फेसबुक का आपके पास स्टेज है, रेहान लवला भाई, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम हर रोज पाकिस्तान के रात के 10 बजे इसी पेज पे आए, रेहान लवला भाई पेज पे आए और गुफ्तगू करें आपसे, आपके साथ मुलाकात करें, आपके साथ गपशप लगाए। किसी को फेसबुक लाइव पे आना है तो वो हमसे सवालत कर सकते हैं, हम उनसे सवालत कर सकते हैं। एंड वी आर हैविंग सच ए गुड टाइम, सच ए गुड टाइम। हाँ जी, सो 22 मिनट्स बाकी है हमारे पास अभी, 8 मिनट तो ऐसे निकल गए। टाइम फ्लाइज, टाइम फ्लाइज, समय निकलता रहता है। माना कि हाथ में अपने रेत रखते हैं और कैसे रेत हाथ में से सरक जाती है, ऐसे ही समय निकलता चला जा रहा है। ओके, कमलेश भाई ने बोला यस, तो कमलेश भाई को हमारे साथ आना है, हम ऐड कर रहे हैं। कमलेश भाई रेडी हो जाइए आप, देखते हैं क्या होता है। अपना फोन हॉरिजॉन्टल रखिएगा, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल रखिएगा। ओके, हम आपका इंतजार कर रहे हैं कमलेश भाई। कमलेश खिमानी, कमलेश खिमानी जी, हम आपको ऐड कर रहे हैं, ऐसा मैसेज आ रहा है। अब आपकी ओर से इसे एक्सेप्ट करना है। हाँ जी, तो कहाँ पे है भाईजान? कमलेश भाई आ जाइए यार, रिस्पॉन्ड कीजिए। आपने यस लिखा, आपको हमारे साथ गपशप लगाना है, हमने एड कर रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वो उसे एक्सेप्ट करके हमारे साथ आ जाइए। मीनवाइल आपके कोई सवाल है तो भी कमेंट में लिख सकते हैं, आपको हमारे साथ गपशप लगानी है तो भी आ सकते हैं। हमें आंसर मिला कि नो आंसर फ्रॉम कमलेश खिमानी यार, एक और दफा ऐड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है इस दफा। लास्ट दफा तो नो आंसर आया, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, तो किसको हमारे साथ गुफ्तगू करना है, बात करना है, अपने दिल की बात करनी है? यस, यस का क्या मतलब है काजी साहब, हमें बताइए जरा यार। यस का मालूम नहीं पड़ा। हाँ जी, कनेक्टिंग हो रहा है, कमलेश भाई आ रहे हैं, कमलेश भाई खिमानी को हम ला रहे हैं आपके लिए। कनेक्टिंग का मैसेज आ रहा है, एडिंग से कनेक्टिंग का मैसेज आ रहा है, तो कनेक्टिंग हो रहा है ऐसा लग रहा है हमें। कमलेश भाई कहाँ पे हो आप यार? ओ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, शॉर्ट फॉर्म आपने तो लगा दिया, हमें लगता था कि अस्सलाम वालेकुम आप लिख रहे हैं, मगर डबल चेक करना चाहते थे। अस्सलाम, हाँ जी कमलेश भाई, कनेक्टिंग का मैसेज आ रहा है मगर आप। हेलो। ओके, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, तो हेल्प मी वेलकम कमलेश किमानी। कमलेश भाई कैसे है आप? हाँ जी कमलेश भाई, आप मजे में? आपको सुनाई दे रहा है, लगता है आपको सुनाई नहीं दे रहा है। वो स्पीकर फोन निकाल के देखते हैं, निकाल के बात करें तो क्या होता है। स्पीकर ओके, वो कनेक्शन टूट गया। हाँ जी, आमिर खान ने बोला ओके चले, हमारे भाई मौका दे आप गपशप करने का। ओके, आ जाइए काजी साहब, आपको लाते हैं और क्या यार। ओके, काजी साहब हम आपको ऐड कर रहे हैं गपशप करने के लिए, हम तो मौका दे रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, आपको इसे एक्सेप्ट करना है। ओके, वसीम अकरम ने बोला एनआईसी,
नाइस लिखना चाहते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, मगर हम ढूंढ रहे हैं यार किसके साथ बात करें यार, हम अकेले अकेले बोले जाएंगे तो यार मजा नहीं आएगा आपको यार। हाँ जी, तो क्या बात, काजी एक मिनट जरा दानिश क्या अयुब आता साहब है। को हम ला रहे हैं। हाँ जी, लाइट बैट दिखा। अरे यार, काजी साहब भी चले गए हैं, तो किसको आना है और किसको आना है यार, किसको आना है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आ जाइए यार, और लिखिए यस, लिखिए तो हम आपको फेसबुक लाइव पे अभी ला देते हैं और गपशप शुरू करते हैं। मेरे पास शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ऐसा कमलेश भाई खीमाने ने लिखा है। ओके, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, दिल पे दिल आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हाँ, तो इस वक्त किसको आना है, किसका चांस लगता है, देखते हैं कौन नसीबदार है। ओके, वसीम अक्रम साहब बोल रहे हैं यस, उनको हमारे साथ बात करनी है, हम आपको ला रहे हैं। वसीम साहब, एडिंग का मैसेज आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओके, वसीम साहब को हम इनवाइट कर रहे हैं अभी, देखता है उनका चांस लगता है तो, वरना आमिर खान भी बोल रहे हैं कि इनवाइट मी जी, जो कल भी आए थे हमारे साथ। डिक्लाइन हो गया वसीम साहब, सॉरी साहब। ओके, आमिर खान को चांस देते हैं। आमिर खान अब आपको इनवाइट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, अब आपकी बारी आई, तेरा क्या होगा कालिया, ऐसा डायलॉग था में। ओके, सलाम वालेकुम आमिर खान साहब, कहते हैं सलाम भाईजान। वालेकुम। ओके, फरमाइए, आपका आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। कौन साहब, आई नो कल हमसे बात किया था आपने हमसे, और फिर से आज भाई नए लोग भी जुड़ गए हैं, तो उनके लिए भी इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। कौन, आपकी तारीफ दीजिए आमिर खान साहब। अमीर अमीर कैसे हैं भाई, ठीक हो? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास समीर साहब। मेरे पास मेरी कहीं सिग्नल शुरू है, मैं चेक करता हूँ कोई। हेलो हाँ जी, तो अपना या अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आमिर खान मैं साहब। मेरा मुकम्मल नाम अमीर बख्श है, मैं पाकिस्तान से हूँ, इस वक्त मैं सऊदीया में ताइफ में हूँ। कल भी आपसे बात हुई थी तो बीच में जो है ना टूट गया था वो कनेक्शन, वो नेटवर्क की वजह से। हाँ जी, वो कनेक्शन आवाज कट आ रही है चुका था मेरी? कल, तो आज भी हमारे साथ रूबरू हो गए हैं। हाँ तो आपका क्या मैसेज है, सुनाए कैसे आपका हैं? क्या मैसेज है आज के लिए। बस हम बढ़िया, इंशाल्लाह मजे में है, खैरियत में है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के लिए कोई खास मैसेज तो नहीं है, कल मैसेज मैंने दिया था वो मेरे ख्याल से मुकम्मल नहीं हुआ था, तो वही बात दोहराएंगे कि कोई भी बंदा जो है ना जहाँ भी हो वहाँ मेहनत करे, उसे जरूरी नहीं है कि ये जगह अच्छी नहीं है दूसरी जगह चले जाए। हाँ, लेकिन आपने सवाल किया था कि आप क्यों पाकिस्तान नहीं जा रहे, वो मैंने बाद में लाइव आपका देखा था क्या तो आपने ये किया था, मैंने आपको वो जवाब नहीं दिया क्योंकि कनेक्शन टूट गया था। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं आप साहब? आपने पूछा था मुझसे कल के वीडियो में, आपने कहा था कि आप क्यों नहीं छोड़ रहे, यानी आप हाँ जी, सऊदीया हाँ, में। मैंने हाँ, पूछा था आपसे। हाँ यही मैंने वो बाद में वीडियो मुकम्मल देखी थी ना लाइव, तो आपने यही हाँ सवाल जी, किया था। हाँ, हाँ कि आप लोगों को तो एडवाइस दे रहे हैं कि भाई आपको अपना देश नहीं छोड़ना चाहिए, नो अपना देश पाकिस्तान और इंडिया जहाँ भी है वहाँ भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। फॉरेन में जो मजदूरी के लिए आना है तो आने की जरूरत नहीं है, अपने देश में भी माना बहुत आगे पहुँच सकते हैं। तो मैं आपसे वो सवाल किया था, इसके बाद हमारा कनेक्शन टूट गया था, कि आप एडवाइस दे रहे हैं कि फॉरेन में नहीं आना है, तो आपको तो अब तो चॉइस है ना कि चलो फॉरेन से वापस जाने का अपने देश से, तो आप क्यों नहीं जाते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन बंदा एक एक दफा जब यानी मैं जो है ना पैसे उधार लेके आया था वो तो वजह करने है ना। हाँ, वो तो बात है, सही बात है कि भाई, तो कितना आपके टाइम हो पास गया तो आपको सऊदी में, कितना टाइम हो गया?
मुझे 2 साल होने वाले हैं। अच्छा, तो 2 साल में अभी उधारी खत्म नहीं हुई है आपकी। अच्छा, बराबर है। उधारी तो खत्म हो गई है, ये नहीं है कि उधारी खत्म नहीं हुई, वो तो खत्म हो गया माशाल्लाह। अभी जो है ना कुछ हालात सेट हो गए हैं, बस यही कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ आ गए हैं, फंस गए हैं, तो भाई हैं छोटे, उनको ना ना लेके आऊं, जो बच गए हैं उनको तो बचाएं। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप फंस गए हो वो सऊदी में आके, तो जो आने वाले हाँ उनको बचाए। नहीं, क्योंकि अच्छा जब अच्छा मैं अच्छा आया था ना यहाँ, तो मुझे इस चीज का पता नहीं था, शौक के तौर पे आया था, शौक पे। अभी वो सारे शौक पूरे हो हाँ, गए हैं। समझ गया, पूरे हो गए। अच्छा, बराबर है, हम समझ गए आपकी बात। हाँ, बिकॉज देखो, आप दूसरे को एडवाइस दोगे कि भाई ना फॉरेन मत आओ, सऊदी मत आओ, तो वो वही कहेंगे कि भाई आप तो सऊदी आए हैं, अब तो आपके पास ऑप्शन है वापस आने का, अब क्यों नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने भी वो सवाल पूछा था आपसे। अख्तर भाई आप लिखते हैं अनलाइक दिस पेज बट वाई, अख्तर भाई ने लिखा है कि अनलाइक दिस पेज, उनसे पूछ रहे हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है इसमें, फिर भी लिखते हैं अनलाइक। हाँ अख्तर भाई, आप लिख सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या बात अच्छी नहीं लगी, तो आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। देखो, इस पेज पे ऑलमोस्ट 600,000, 6 लाख लोग हैं, राइट? यू नो, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, मगर हम देखने वो जानना चाहते हैं कि भाई आप अनलाइक क्यों करना चाहते हैं। आप आ जाइए बातचीत हाँ करने के लिए। आपको लगता है कि बातचीत अच्छी नहीं हो रही है, आपको आना है तो आप ही आ सकते हैं यार, सबको हम तो मौका देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा आप रेहान रेहान से मिले हैं? रूबरू तो नहीं मिले हैं हम कनाडा में रहते हैं, मगर रेहान अल्लाह वाला भाई से थ्रू फेसबुक ही हमारी मुलाकात हुई है। फेसबुक मैसेंजर पे हमारी बातचीत भी होती रहती है। हाँ जी, पर्सनली भी बातचीत होती रहती है, मगर वो रूबरू इन पर्सन हम मिले नहीं है अभी तक। चलो इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। ओ मैं जो है एब्सोल्युटली, ना, हाँ जी, मैं तकरीबन हुआ है कोई, मेरे ख्याल से कोई 15 से 20 दिन हुए हैं, क्योंकि मैंने उसका फर्स्ट टाइम जो वीडियो देखा था वो किसी के थ्रू देखा था, उन्होंने नाम लिया कि मैं रेहान से इंस्पायर होके ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई आदमी था मुल्तान से, तो मैंने सोचा कि यार ये रेहान कौन है जिसने एक शख्स की जिंदगी बदली है, तो मुझे वो शौक चढ़ा। उसने दो नाम लिए, एक रेहान एक आजाद चाय वाला, तो अच्छा, मैंने जो है ना वो वीडियो उनकी यूट्यूब में देखी तो मुझे पता चला। फिर उसके बाद जो है यानी मालूमात, अभी मुझे कुछ भी खास पता नहीं है कि वो क्या करते हैं, कौन है, मुझे कुछ नहीं पता। अब आपको थोड़ा कुछ पता चल गया रेहान साहब के बारे में। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वेरी गुड, अभी वेरी गुड। अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि फेसबुक में 3 पेज हैं रेहान अलावाला के नाम पे, और सब पे रेहान साहब की फोटो लगी हुई है। अभी ये पता नहीं है कि ओरिजिनल कौन सी है या सारे उसी के अपने, हमें नहीं पता। ओ आई सी, अच्छा, हाँ, अच्छा, तो ये भी रेहान भाई की पेज है। वहाँ पे वो इस पेज पे माना ऑलमोस्ट 600,000 लोग फॉलो कर रहे हैं इस पेज को, और उन्होंने हमें वो चांस दिया है कि आप माना हर रोज पाकिस्तान के 10 बजे नाइट को आइए और आपके दिल की बात शेयर कीजिए, और लोगों को माना लोगों को भी लाइए उसमें, और उनके साथ भी गपशप लगाए, उनके साथ भी माना है ना, तो उनको लगे कि भैया देखो यार, इंडिया का बंदा है, कनाडा में रह रहा है, उनके दिल में भी पाकिस्तान के लिए प्यार है, उनके दिल में भी इस्लाम के लिए प्यार है, हालांकि वो हिंदू कम्युनिटी में पैदा हुआ है। तो वही है कि भाई ना, वो जो मीडिया बता रहा है और मीडिया से जो पिक्चर एक लोगों के जहन में है वो अलग है, मगर जब आप रियली बेस पे मिलते हो, माना है ना फेसबुक पे कि इन पर्सन मिलते हो, तो पिक्चर अलग आता है। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर मीडिया की बातें सुने या एक ही कुएं में बैठ के देखें तो वो वही हमें नजर आता है जो हमें दिखाया जाता है। ये फेसबुक एब्सोल्युटली, फेसबुक वाइब चीज नहीं है, ये सोशल मीडिया यानी कि एक साइड है जहां हमें खुद जो है ना मेहनत करके पता लगाना पड़ता है कि जो है ना कौन सा मुल्क कौन सा है और क्या है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान आजाद होने से पहले कोई खास फर्क तो नहीं था, क्योंकि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे जो गांव है ना यानी ये तकसीम के बाद जो है ना फर्क पड़ा ना भाई, वो इंडियन हो गए, हम पाकिस्तानी हो गए, और
फिर उसके बाद हमारा रابطہ मुनकता हो गया, ठीक है। तो सिर्फ मीडिया के जरिए और टेलीविजन के जरिए वो जो लोग बताते थे वो हम उसी पे यकीन करते थे, ये गलत है। सही बात है, सही बात है। बिकॉज उनका वो टीआरपी का होता है, उनको एडवर्टाइज का होता है, और वो जो सो उनका वो अपना वो बिजनेस है माना मीडिया का, राइट? कि भाई उनको मनी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और नफरतें बेच के माना अपना वो पैसा चला रहे होते हैं मेनली, मोस्टली मीडिया वाले लोग मेनली, लेट्स से 90%+ लोग। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो ये बात है। तो मगर ऐसे मीडिया से, लेट्स से हम सोशल मीडिया पे आए, लोगों से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि यार पाकिस्तान में रहने वाला आदमी है और इंडिया में रहने वाला आदमी है, दोनों में ही दिल धड़कता है, दोनों के लिए एक दूसरे के कंट्री के लिए प्यार है, दोनों को मना इतना कुछ नहीं है जो मना मीडिया बताता है कि भाई मारो काटो ये करो वो करो, वो ऐसा वैसा नहीं है मना। हाँ जी, देखो जो आम आदमी होता है इससे वो आम पहले मैं आदमी रेहान होता है। साहब की हाँ वीडियो, जी, जी जी रेहान साहब की वीडियो देख रहा था, इंटरव्यू था मेरे ख्याल से, वो बता रहे थे कि कुछ दिन के बाद झूठ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मीडिया झूठ बोल रहा है ना। अभी हम लोग आपस में कनेक्शन हो जाएंगे तो हमें सच का पता चलेगा। एग्जैक्टली, सही बात है, सही बात है। एक दफा मेरे को मालूम है रियान साहब एक कश्मीर में रहने वाले बंदे का, हाँ राइट, हाँ जी, तो एक दफा जी वो जी रियान साहब वो इंटरव्यू ले रहे थे वो बंदे का जो कश्मीर आप में बता रह रहे थे रहा था। कश्मीर। हाँ, तो वो जैसे बता रहा था कि भाई यहाँ तो हम अमन से रह रहे हैं, वो यहाँ भी बोल रहे थे कि हमारे के तो यहाँ ये ऐसी माना लोग मानते हैं कि भाई कश्मीर में तो आर्मी जुलम कर रही होगी, ये कर रही होगी, वो कर रही होगी, और आप तो मान टोटली टोटली तो उनका वो नजरिया बदल गया कि मीडिया बताता है वो अलग होता है, मगर जो आवाम से हम रूबरू बात करते हैं तो माना डिफरेंट पिक्चर नजर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें सही का पता जब चलेगा जब हम खुद जाति तौर पे थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे, हाँ, किसी से बात, किसी के पास जाएंगे तो ही पता चलेगा। दूसरों की सही बात बातें है। सुनने से, एग्जैक्टली, क्या हो या कोई भी हो, वो अपनी बात करेगा जो उसके दिल में है, हम अपनी तसल्ली खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और रेहान भाई तो बोलते हैं कि मेरे फेसबुक पे से 500 दोस्त मेरे से ले जाओ और लैपटॉप भी मैं देता हूँ, ऐसे 300 से ज्यादा लैपटॉप वो दे चुके हैं अभी तक, राइट? हाँ अच्छी बात है। हाँ जी, तो ये बात है कि भाई अपने पास बढ़िया से बढ़िया स्मार्टफोन है, आपके पास बढ़िया से बढ़िया आपका वो अकाउंट है फेसबुक पे, राइट? सो आपके पास जैसे मल्टी ट्रिलियन डॉलर का टीवी स्टूडियो हो और आप टीवी प्रोग्राम न चलाए तो किसका मिस्टेक है, किसका गलती है, राइट? अमर सजाद भाई, भाई कह हम रहे ये हैं भी कि सजाद भाई को टाइम दो, मैं फोन करता हूँ, उनकी बात सुनते हैं, उनको आने दो 2 मिनट के लिए, ओके ठीक साजिद है। भाई, मैं आप आइए। बात, चलो तो ओके, थैंक यू सो मच आमिर खान, आपका टाइम टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। साजिद अली भाई, आप आइए, चलो आप, आपको हमारे साथ बात करनी है, आप आइए हमारे साथ, 5 मिनट अब बचे हैं। हाँ जी साजिद भाई, हम आपको ऐड कर रहे हैं। ओके, सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे है भाई जान? बस वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक एकदम ठाक, बढ़िया, खैरियत है मजे में, सर? इंशाल्लाह एकदम मजे में है। आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप, साजिद भाई कहाँ से है? जी सर, बिल्कुल इंट्रोडक्शन दूंगा सर। आप काफी दिनों से मैं बात करना चाह रहा हूँ लेकिन मौका नहीं मिल रहा सर आपसे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, बात अभी तक ना हो पाई थी मगर आज हो गई, तो आई एम वेरी गुड एक्साइटेड। चले हाँ जी, बस जी सर, जी सर, चले, अच्छा लगा सर आपको, आपसे बात करके। सर मेरा नाम सजाद है सर, मैं पाकिस्तान से, पिशावर से हूँ सर। अच्छा, सजाद भाई पेशावर से है आप? अच्छा, बहुत बढ़िया सिटी है पेशावर तो पाकिस्तान का। पेशावर की कौन सी तीन जी बातें सर, आपको अच्छी लगती है? पिशावर सर, पिशावर सारा शहर सर बहुत अच्छा है सर, हाँ बिल्कुल मेरे जबरदस्त है, खाने पीने के लिहाज से और जो है टूरिस्ट के लिए जबरदस्त जगह है, चलने फिरने के लिए, घूमने के लिए जबरदस्त। अच्छा, पेशावर घूमने के लिए अच्छा सिटी है, टूरिस्ट के लिए अच्छा सिटी है, और कुछ? और एजुकेशन के लिहाज से काफी जबरदस्त जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है सर, क्या बात है, और खाने पीने के लिहाज से अच्छे अच्छे खाने हैं,
चपली कबाब है, बिरयानी बड़ी मशहूर है, काबली पुलाव मशहूर है, क्या बात है। तो अरे बड़े हमारे मजे लिए की बात है वेजिटेरियन के सर। लिए चॉइसेस है कि नहीं, कोई सारा पुल नॉन वेज ही है कि हमारे लिए, हमारे हम तो वेजिटेरियन है भाई, तो हमारे लिए क्या कोई चॉइसेस है कि नहीं क्यों यार। नहीं सर, बिल्कुल वेजिटेरियंस के लिए भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं सर, आप आए आपकी डिमांड पे पकेंगी सर। शुक्रिया शुक्रिया जी। तो आपने कौन सा स्टडी किया है? आपने बोला एजुकेशन का बात किया कि पेशावर में बहुत सारे वो एजुकेशन के कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी है, तो आपने कौन सा स्टडी किया है साहब जी? जी सर, सर मैं कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहा हूँ, और एजुकेशन के लिहाज से जो मैंने बात की है ना, यहाँ पे स्कूलों की बहुत ज्यादा कमी थी और जो है लोगों को एजुकेशन की काफी जरूरत थी, तो अब यहाँ पे स्कूल बन रहे हैं, जगह प्रमोट हो रही है, डेवलप हो रही है, तो बहुत जबरदस्त सिस्टम चेंज हो रहा है सर तेजी से। क्या बात है, इमरान बहुत खान साहब बढ़िया। आए हैं तो उन्होंने काफी काम किया है, ब्रिजेस पुल बनाए, एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा जो है स्मूथ और इम्प्रूव किया है, टीचर्स ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया है, जबरदस्त सब कुछ हो रहा है सर। तो क्या बात है, क्या इंशाल्लाह बात दुआ है, करें सर आप जी, तो हमारे इंशाल्लाह भी बात पेशावर जो है चलती वो है निकलेगा। पाकिस्तान की पूरी आवाम के लिए कि वही ना पाकिस्तान का और प्रोग्रेस हो जाए, पाकिस्तान की आवाम जो मना ओपन माइंडेड हो रही है और हो, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ना आप भी मना इंडिया के लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, आप इंडियन भी है जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा बिल्कुल चाहते हैं, और जो मीडिया ने जो हाइप क्रिएट किया था हेटरेड का, वो सब अब वो दूर हो रहा है, तो हम तो बहुत खुश जी हैं। जी तो सर मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ ना, लाइव वीडियो आपकी देखता हूँ सर, तो पहले भी देख रहा था, अमीर भाई बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने काफी अच्छी बात की कि ये पहले सब एक ही जगह थी इंडिया पूरा, जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई है पाकिस्तान और जो है इंडिया अलहदा हुए हैं, तो ताल्लुक मुनकता हो गया हमारा सर, तो बाकी सब एक ही तरह के लोग हैं, आम इंसान है, एक दूसरे को हम भी जो है उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए ना, बुराई से तो क्या होगा, बुराई ही पहले की बुराई करने से, तो क्यों ना अच्छी बात करें, अच्छाई फैलाएं। एब्सोल्युटली साहब, आपके जी पास सर। 1 मिनट बचा है अभी बिफोर हम वो प्रोग्राम खत्म कर रहे, तो कौन सा मैसेज देना अच्छा चाहते सर, हैं पाकिस्तान की आवाम को और इंडिया की आवाम को, कौन सा मैसेज आप देना चाहते हैं अली साहब? तो सर ये मीडिया जो है, मीडिया हमारे बीच में जो है गलत फहमी पैदा कर रही है सर, बढ़ा रही है, तो हमें जो है होशियार रहना चाहिए, हम दोनों मुल्कों के लोगों को आपस में पर्सनल बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, एक दूसरे के कल्चर के बारे में डिस्कस करना चाहिए, उनकी सोच समझ देखनी चाहिए ना कि क्या सोचते हैं एक दूसरे, तो तभी जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी, विजिट करना चाहिए एक दूसरे को, उठना बैठना, एक कप चाय होनी चाहिए सर इकट्ठी, तभी मजा आएगा सर। नहीं बढ़िया बोला साजिद भाई आपने, और दोनों की आवाम सुन रही है, इनफैक्ट पूरी दुनिया आपकी बात सुन रही है, उसका पालन भी करेगी। एब्सोल्युटली जो आपका दिल जी है, जो आपने शेयर किया कि भाई मीडिया जो निगेटिव फैला रहा है उसको फॉलो मत करना चाहिए, उसको मानना भी नहीं चाहिए, हालांकि सबके पास सेलफोन होता है, सब सब माना वो फेसबुक पे जी होते हैं, तो माना अपने अपने ऐसे इंटरव्यू शुरू कर देने चाहिए, और इस दूसरे के बाउंड्री बाउंड्री सब भूल जाके माना बस दोनों में बिल्कुल सेम ही, दो भाई अलग होते हैं, दो कंट्री अलग रहते हैं, चलो हो गया 70 साल के पहले जो होना था बराबर है, मगर वो बिल्कुल गले मुर्दे क्यों क्यों निकालना, वो निकालेंगे तो सिवा दुर्गंध कुछ नहीं मिलने वाली है। हाँ तो आपका सर, बहुत बहुत हमारे पश्तों में शुक्रिया एक बात अली भाई। करते हैं ना सर, आपका आपका टाइम पूरा हो गया सर, एक बात करूंगा हाँ सर, टाइम कल भी पूरा हो गया इंशाल्लाह बात हमारा, करेंगे, क्या आधे घंटे का आपने ही मुझे प्रोग्राम मौका हुआ जरूर है। देना। जी सर, हाँ जी हाँ लेकिन जी सर, लेकिन पश्तो में बात करते हैं ना, जिससे तीर हुआ हीर हुआ, जो हो गया बस हो गया, बात गई बस खत्म, ठीक है, तो अभी रात गई दोस्ती बात बढ़ानी गई यार, चाहिए, रात अच्छा गई बात गई, हो और गया सर हमारा। उस बात को तो 17 साल बीत चुके हैं जी माना, जी तो जी जी माना उस रात को क्यों याद करना है कि ना जिस रात माना बिल्कुल चलो हाँ, तो ये जी बात सर, है। तो थैंक यू आपका वेरी बहुत मच बहुत सर, शुक्रिया अली आपने भाई, टाइम दिया सर, थैंक यू सो मच। दैट्स माय ओके प्लेजर जी, ओके, अली भाई, थैंक यू सो और मच, भी अपना बहुत ख्याल टाइम नहीं दे रखिएगा, सके इंशाल्लाह आपको बिकॉज इंशाल्लाह कल टुवर्ड्स द बात एंड होगी आप आ सर। जाए। हाँ जी, बिलीव इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, डोंट लेट जी एनी सर, बडी स्टील ओके योर सर, ड्रीम्स, ओके सर, जस्ट नाउ इफ ट्रम्प कैन विन सो कैन यू, यू आर द सेलिब्रिटी डे, यू आर द सेलिब्रिटी लाइफ, जी यू आर द सेलिब्रिटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।